हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुकिंग रिलेटेड वीडियो शेयर करूंगी। आज मैं बनाने जा रही हूं स्वीट एंड स्पाइसी ब्रेड की रेसिपी। ये रेसिपी टी टाइम स्नैक या ब्रेकफास्ट में भी खाया जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ वेजेस कट करके रखा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है पोटैटो, अनियन, टोमेटो, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, कटा हुआ हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन। आप अपने मनपसंद के कोई भी सब्जी ले सकते हैं, गाजर भी ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड को कट करके पीस कर लिया है। आप लोग लेफ्ट ओवर ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है और ये रेसिपी रिफाइंड ऑयल में ही बनेंगे। तो साथ में एक साथ मैंने डाल दिया है पोटैटो, अनियन और स्प्रिंग अनियन के व्हाइट वाले पार्ट को। थोड़ा सा मैं भून लूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, ताकि इजीली ये गल जाए। और ढक्कन देके 2 से 3 मिनट तक इसको पकाने के लिए रख दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा ये गल चुका है। अब इसी टाइम में मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ये ऑप्शनल है। और इसको देने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी और साथ ही साथ में मैं ऐड कर दूँगी टोमेटो एंड कैप्सिकम। दोनों को देने के बाद अगेन मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करके अगेन इसको ढक्कन देके 2 से 3 मिनट तक कुक होने के लिए रख दूंगी। जब ये कुक हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्प्रिंग अनियंस को। तो स्प्रिंग अनियंस को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। और साथ ही साथ में मैंने ऐड कर दिया है ग्रीन चिली को। अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोया सॉस 1 टीस्पून, थोड़ा सा शुगर भी इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा मीठा होगा इसका टेस्ट। तो शुगर मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 टीस्पून और टोमेटो केचप। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है रेड चिली पाउडर और अच्छी तरीके से भून दिया है। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्रेड की पीसेस को और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए मेरा रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसमें लास्टली ऐड कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ये देखिए मेरा ये जो रेसिपी है स्वीट एंड स्पाइसी ब्रेड की रेसिपी बनके रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट में, टी टाइम स्नैक में गेस्ट आए तो या फिर टिफिन के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कुक विद लव यू।